हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम इन टू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 27 ईयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे लॉन्च ऑफ अदानी कोड नेम ट्रैम्प एट LBS मार्ग कांजूर मार्ग वेस्ट मुंबई। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एलिवेशन है बिल्डिंग का और ये प्रोजेक्ट 9 एकड़ लैंड पार्सल में बन रहा है जिसमें टोटल 5 टावर्स है। तो अभी डेवलपर ने टावर नंबर 1 और टावर नंबर 4 लॉन्च किया है और सभी टावर्स में 1 लेवल बेसमेंट है, ग्राउंड, 3 लेवल पोडियम पार्किंग और उसके ऊपर 34 हैबिटेबल फ्लोर्स है। इस प्रोजेक्ट में मोर देन 50+ एम्यूनिटीज़ दिया हुआ है और सारे लग्जरी लाइफ स्टाइल एम्यूनिटीज़ है। तो कुछ एम्यूनिटीज़ ग्राउंड फ्लोर पर होगा और कुछ एम्यूनिटीज़ पोडियम लेवल के ऊपर दिया हुआ है। और यहाँ पर जितने भी फ्लैट्स हैं सारे बैल्कनी के साथ में है, डेक के साथ में है। प्लस इस प्रोजेक्ट में आपको सभी फ्लैट्स का ऑप्शन मिलता है, 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK। 1 BHK में कारपेट एरिया बड़ा है और 2 BHK में मिड साइज कारपेट एरिया है और बड़े कारपेट एरिया है, और 3 BHK में भी मिड साइज कारपेट है, उसके बाद बड़ा कारपेट भी है। तो टावर 1 में हर एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 1 BHK फ्लैट। 6 लिफ्ट होगा बिल्डिंग में और 2 स्टेयरकेस है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। और टावर 4 में अगेन हर एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट है और बिल्डिंग में 8 लिफ्ट है और 2 स्टेयरकेस है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3 BHK फ्लैट्स। तो यहाँ पर लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो अदानी कोडनेम ट्रायम यहाँ पर लोकेटेड है। दिस इज कांजूर मार्ग वेस्ट। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज कांजूर मार्ग रेलवे स्टेशन और इस तरफ भांडुप रेलवे स्टेशन है। तो दोनों के बीच में प्रोजेक्ट लोकेटेड है और इसके पास में जो फाइन लाइन आप देख रहे हैं दिस इज LBS मार्ग और LBS मार्ग को लगकर मेट्रो पैरेलल चलती है। तो दिस इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ मुंबई। आप थोड़े ही डिस्टेंस पे आगे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज JBLR मेट्रो लाइन जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। प्लस LBS मार्ग जो है ये काफ़ी डेवलप्ड एरिया है और आगे भी और डेवलप्ड हो रहा है। तो यहाँ से इस प्रोजेक्ट से जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, सारा कुछ इस प्रोजेक्ट से 0.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही अवेलेबल है। इस लोकेशन से आप वेस्टर्न साइड ऑफ मुंबई, साउथ मुंबई या तो थाने, नवी मुंबई ईजिली आप ट्रैवल कर सकते हो क्योंकि यहाँ से आपको रोड्स, मेट्रोज, टनल्स, हाईवेज सभी का बेनिफिट मिलता है। तो कांजूर मार्ग रेलवे स्टेशन यहाँ से 1.7 किलोमीटर पर है, मेट्रो स्टेशन 200 मीटर पर है, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड 1.5 किलोमीटर और ईस्टर्न फ्रीवे 3 किलोमीटर। सो इट्स अ वेरी क्वाइट एरिया, यू कैन डू योगा एंड मेडिटेशन एट योर होम इट्सेल्फ। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेट्रो लाइन जो है प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास से ही चलती है और LBS मार्ग से पैरेलल चलती है और इस प्रोजेक्ट में आपको दोनों व्यू मिलता है। ये जो सामने का व्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको क्रीक का व्यू नज़र आएगा और इसके ऑपोजिट साइड का अगर आप फ्लैट लोगे तो नेशनल पार्क माउंटेन का व्यू नज़र आएगा। तो यहाँ पर मास्टर प्लान में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो लैंड पार्सल है ये 9 एकड़ का लैंड पार्सल है और अभी डेवलपर ने यहाँ पर टावर 1 और टावर 4 लॉन्च किया है। तो टावर 4 में बड़े फ्लैट्स हैं जैसे 2 BHK और 3 BHK और टावर 1 में छोटे फ्लैट्स हैं 1 BHK और 2 BHK। तो तभी इसका साइज़ भी आप देखेंगे टावर 4 का जो स्क्वायर है ये बड़ा है टावर 1 से। और यहाँ पे जो एम्यूनिटीज़ एरिया है करीबन 2 एकड़ का जो स्पेस है वो प्योरली एम्यूनिटीज़ के लिए दिया हुआ है। ये जो स्पेस आप ग्रीन कलर का यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 1.5 एकड़ का जो स्पेस है ये डेवलपर गार्डन बनाकर BMC को हैंडओवर करेंगे। सो दिस विल बी पब्लिक गार्डन। और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज मल्टीपर्पज कोर्ट जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है और ये पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ही है। तो यहाँ पर मास्टर प्लान में अगर आप देखेंगे तो ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है जिसमें मोर देन 30+ एम्यूनिटीज दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये पोडियम लेवल के ऊपर का प्लान है जिसमें मैक्सिमम एम्यूनिटीज जो है वो पोडियम लेवल के ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ओपन टू स्काई में करीबन 31 एम्यूनिटीज़ मिलता है और इंडोर एम्यूनिटीज़ जो कि बिल्डिंग के नीचे है इंडोर एम्यूनिटीज़
वहाँ पर आपको 7 से 8 एमिनिटीज़ दिया हुआ है और कुछ एमिनिटीज़ क्लब हाउस के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर पोडियम लेवल के ऊपर ग्राउंड प्लस 3 लेवल का क्लब हाउस होगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पाओगे जो राउंड बिल्डिंग आप देख रहे हैं पीछे की तरफ, डेट इज़ क्लब हाउस, जो कि ग्राउंड प्लस 3 लेवल का क्लब हाउस है। और सेंटर में आप देखेंगे काफ़ी बड़ा सा स्विमिंग पूल है, सराउंडेड बाय लश ग्रीन, प्लेंटी ऑफ पाम ट्रीज अराउंड, सो वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड एमिनिटीज एरिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये अपने फ्लैट से, अगर आप लोअर फ्लोर से बैल्कनी से अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके का व्यू नज़र आएगा। सो दिस इज़ वन मोर, अगर आप इंटरनल फेसिंग फ्लैट लेते हो तो आपको प्योरली एमिनिटीज़ का व्यू मिलता है, और अगर आप बाहर का फ्लैट लेते हो तो आपको क्रीक का व्यू मिलता है, या तो अदर साइड आपको नेशनल पार्क का व्यू मिलता है। सो दिस इज़ एरियल व्यू ऑफ द एमिनिटीज एरिया विच इज़ ऑन पोडियम लेवल। सो दीज आर सम सिट आउट्स एरिया, वॉकिंग ट्रैक, चिल्ड्रेंस प्ले एरिया विथ प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेल डिज़ाइंड लैंडस्केप प्लस डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस दिया गया है विथ रिसेप्शन काउंटर, सिटिंग अरेंजमेंट, प्लेंटी ऑफ LED लाइट्स एंड शिंडलर्स ऑन टॉप, सो वेरी एलिगेंट लुक ऑफ द लॉबी एंट्रेंस। क्लब का भी लॉबी एंट्रेंस आप देखेंगे, इट्स अ डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस। बिल्डिंग के बाहर ही कुछ रिटेल प्लाजा दिया हुआ है जो कि ग्राउंड प्लस 1 का रिटेल प्लाजा होगा। सो दिस प्लाजा इज बेसिकली नॉट फॉर सेल, डेवलपर विल गिव इट ऑन लीज, और सारे ब्रांडेड कंपनी यहाँ पर आएंगे। सो इन ईटिंग, शॉपिंग, रिलैक्सिंग, वर्क स्पेस, जूस बार, ये सारा कुछ आपका रिटेल प्लाजा में होगा। तो डिस्टेंस से अगर आप देखेंगे, अगर मेट्रो से अगर आप देखेंगे, जब भी मेट्रो पास से गुजरेगी इस तरीके का नज़र आएगा रिटेल प्लाजा का, प्लस हाई राइज टावर भी नज़र आएगा। तो बिल्डिंग का लुक भी दोस्तों आप देखेंगे काफ़ी एलिगेंट लुक है, स्पेशली जब वाइट कलर जहाँ भी आ जाता है तो बिल्डिंग लुक्स मोर ब्राइटर एंड एलिगेंट। तो यहाँ पर भी वाइट और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो इससे बिल्डिंग और अच्छी लगने लगती है। एंड द डेवलपर अदानी रियल्टी इज़ अ ब्रांडेड डेवलपर। तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांडेड कंपनी इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे जो फ्लैट्स का जो बेसिकली जो लुक है, इट्स अ मॉडर्न फ्लैट विथ कोजी लुक। तो ऑफ कोर्स फ्लैट के अंदर आप जितना खर्चा करोगे उतना कम है। तो यहाँ पर फ्लैट्स में जितने भी फिटिंग्स वगैरह है सारे ब्रांडेड कंपनी के दिए हुए हैं, और प्लस CP और सैनिटरी फिटिंग्स भी ब्रांडेड कंपनी का होगा। फ्रेंच कट विंडो विद वॉल टू वॉल स्लाइडिंग। तो यहाँ पर कुछ ग्लिम्सेस देखेंगे आप एमिनिटीज़ का, चिल्ड्रेंस प्ले एरिया, रेस्टिंग डेक, सेक्रेट गार्डन, लगून लॉन्च, जेन गार्डन, मियावाकी फॉरेस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों फ्लोर प्लान में हम लोग टावर 4 के फ्लोर प्लान को रिफ़र करेंगे। सिमिलर टाइप ऑफ प्लानिंग है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है टावर 1 और टावर 2 में। 1 BHK 500 से लेके 536 कारपेट एरिया है, जिसका मिनिमम प्राइस 1.35 CR से शुरू होता है, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और 2 BHK में अलग अलग वेरिएंट है, 688, 739, 794, 826, 888, तो ऐसे अलग अलग साइजेस हैं। तो इसका जो मिनिमम प्राइस है ये 1.62 CR से शुरू होता है, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और 3 BHK में भी अलग अलग वेरिएंट है, जैसे 1000 कारपेट, 1039 कारपेट, 1105 कारपेट, 1210 कारपेट, ऐसे अलग अलग वेरिएंट है। तो इसका जो मिनिमम प्राइस है वो 2.29 CR से शुरू होता है, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और पोजीशन इस बिल्डिंग का दिसंबर 2028 में होगा। तो दोस्तों बुकिंग के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सुन। बाय बाय, टेक केयर।